अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज हम सऊदी अरब की एक बड़ी अपडेट आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं कि सऊदी अरब में कर्फ्यू जो है वो लागू होगा या नहीं लागू होगा। इस हवाले से एक अपडेट जारी हुई है जो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। सबसे पहले यहाँ पर वीडियो क्लिप है, आप उस वीडियो क्लिप को देखें, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। هل نحن قريبون من تسجيل أرقام أعلى خلال الأيام القادمة وبذلك ربما تكون هناك إجراءات أشد ربما تصل حتى لمنع التجول كما في السابق؟ والله ما أراه في الأفق وما أعرفه من التاريخ العام الماضي. أعتقد أنه مجتمعنا قادر 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 وحكومتنا قادرة ونظام القائم قادر على إيقاف التفشي في أسرع وقت ممكن. واعتقد انه هذا الكلام قد يكون في خلال اسبوعين الى ثلاث اسابيع. انا ما يعني ابدو متفائلا، ولكني اعرف برضو انه ان لم تؤخذ اجراءات صارمه اليوم لم نستطيع ايقاف الجسم. وما اراه الان هو انه الكل الحين مجند نفسه، مجند قدراته وعلاقاته في انه يصل الى الالتزام الكامل. وأنا متفائل أن هذا حيحصل، ومتفائل أنه لن نحتاج إن شاء الله إلى حجر كامل أو منع تجول. तो जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर वीडियो क्लिप देख लिया, वीडियो क्लिप में रिपोर्टर जो है वो सऊदी माहिरीन से सवाल पूछता है कि सऊदी अरब में लगातार कोरोना वायरस के केसेज जो हैं वो बढ़ रहे हैं, क्या इसको देखते हुए सऊदी अरब के अंदर कर्फ्यू जो है वो लागू किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि अभी सऊदी अरब के अंदर कर्फ्यू लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर सऊदी अरब में मौजूद तमाम लोग जो कोरोना SOPs लागू किए जा रहे हैं, यानी जो कोरोना वायरस के हवाले से रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उस पर अगर लोग सख्ती के साथ फॉलो करेंगे तो उनको उम्मीद है कि 2 से 3 हफ्तों के अंदर कोरोना वायरस के केस जो हैं वो सऊदी अरब के अंदर दोबारा से कम हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर अगर जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जो कायदे कानून कोरोना वायरस को लेकर बनाए जा रहे हैं या बनाए गए हैं, उस पर लोग सख्ती के साथ अमल करेंगे तो 2 से 3 हफ्तों के अंदर सऊदी अरब के अंदर कोरोना वायरस जो है वो कम हो सकते हैं, इसकी उनको उम्मीद है। तो मेरी भी दुआ यही है कि हालात जो हैं वो जल्द से जल्द बेहतर हो जाएं, ताकि फ़्लाइट वगैरह भी ओपन हो जाए और सऊदी अरब के अंदर कर्फ्यू भी लागू ना हो। आप इस हवाले से क्या कहते हैं, अपनी राय का कमेंट बॉक्स में इजहार ज़रूर करें।